आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ट खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं सूर्यकांत शर्मा। शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। किसी भी दूसरे बाजार की तरह शेयर बाजार में भी खरीदने और बेचने वाले एक दूसरे से मिलते हैं और मोल भाव करके सौदे पक्के करते हैं। पहले शेयरों की खरीद बिक्री वर्ड ऑफ माउथ से भी होती थी और खरीदने वाले मुंह जवानी ही सौदे किया करते थे, लेकिन अब ये सारा लेन देन स्टॉक एक्सचेंज के नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के जरिए होता है और इंटरनेट पर आज सबकी पहुंच है। सवाल ये है कि COVID-19 की वजह से आज के बदले हुए माहौल में शेयर बाजार हमारी इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए कितना सूटेबल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट विमल जैन और शेयर बाजार एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। मेरा पहला सवाल विमल जैन साहब से है। विमल जैन साहब, आज COVID-19 के बदले हुए दौर में शेयर मार्केट से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं और बतौर एक्सपर्ट आप इसमें छुपी हुई उम्मीदों को किस प्रकार से देखते हैं, इसे कृपया डिटेल में बताएं। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि COVID-19 की वजह से शेयर मार्केट में मैं क्या अपॉर्चुनिटीज देखता हूं, देखिए मैं आपको बताऊं। जब COVID-19 की बात इंडिया में स्टार्ट हुई अराउंड 2 मार्च 2020, हमारा निफ्टी इंडेक्स जो बड़ी 50 लार्ज कंपनीज के साथ बनता है वो 11,130 था। निफ्टी इंडेक्स 16 जुलाई 2020 को ये निफ्टी इंडेक्स हो गया 10,740, यानी 3.5% की गिरावट। सो अभी मार्केट क्या है, मार्केट बियरिस है, लोग डरे हुए हैं, लोग मार्केट से बाहर आना चाहते हैं। बट शेयर मार्केट का एक फंडामेंटल होता है, क्या होता है कि जब लोग डरे हों तब आपको बुलिश होना चाहिए, तब आपको आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि मुझे किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्या होता है जो प्राइस शेयर्स की मार्केट में एज ऑन डेट है वो कई बार लो हो जाती है कंपेयरिंग इंट्रिंजिक वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर शेयर। सो लार्ज कैप की जो कंपनीज है, बियरिस मार्केट है और प्राइसेस आपको एक लो पे मिल रहे हैं कंपेयरिंग इंट्रिंजिक वैल्यू, तो एज ए शेयर इन्वेस्टर्स आपको कोशिश करनी चाहिए इस टाइम पे आप लार्ज कैप कंपनी की ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स आइडेंटिफाई करें। उससे फायदा यह होगा कि आज आपको ये लो प्राइस पे मिल रहे हैं जिसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको मिलेगी। और COVID-19 के टाइम पीरियड में ऐसा हुआ था, निफ्टी इंडेक्स अराउंड 12-13% गिर गया था मार्च एंड में। तो आप समझिए जब निफ्टी इंडेक्स बढ़ता है और घटता है तो एक इंडिकेशंस देता है आपको। लार्ज कैप की कंपनियों के शेयर्स के प्राइस डाउन हुए तो आपका निफ्टी इंडेक्स डाउन हुआ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंपनीज की वर्थ उसमें कोई डाउनग्रेड हुआ था। वो मार्केट सेंटिमेंट होता है जो निफ्टी इंडेक्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। बट एज इन्वेस्टर्स अगर आपको किसी शेयर्स की प्राइस आज की डेट में लोअर है देन इंट्रिंजिक वैल्यू जो उसकी वर्थ है, मान लीजिए शेयर्स की वर्थ 100 रुपए है और मार्केट प्राइस 80 रुपए पे अवेलेबल है, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आपने लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रखा है आप स्विच कर सकते हैं इस टाइम पे मीडियम कैप में। क्यों स्विच करें, क्योंकि लार्ज कैप मान लीजिए अगर 20% से गिरता है तो मीडियम कैप अराउंड 2 टाइम्स या 3 टाइम गिरता है, यानी जो मिड कैप की कंपनीज हैं उसके अंदर और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि उनकी मार्केट प्राइस कंपेयरिंग इंट्रिंजिक वैल्यू और लो होती है, तो वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है आपको गेन करने की, प्रॉफिट करने की। तो आप क्या करें, किस सेक्टर को आइडेंटिफाई करें, आप देखिए आईटी सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल की बात कर रहे हैं, कोविड के लिए हम सब वैक्सीन बनाने के ऊपर लगे हुए हैं फार्मास्यूटिकल। आप आइडेंटिफाई करें ड्यूरिंग दिस COVID-19 की वजह से शेयर मार्केट आज की डेट में जो मार्केट सेंटिमेंट है इतना पॉजिटिव नहीं है, बट दिस इज द राइट टाइम। जब डर हो
तब इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब मार्केट ऑलरेडी बुलिश है तो आपको प्राइसेस ज्यादा मिलेंगे, वो टाइम राइट नहीं होता। तो ये राइट टाइम है, शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मुझे किस में इन्वेस्टमेंट करना है, किस कंपनी में करना है, उसकी इंट्रिंजिक वैल्यू क्या है, उसकी मार्केट प्राइस क्या है। ये राइट मौका है, यही मैं कहना चाहूंगा। रवि सिंह साहब, क्या इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है? इसके बिना जिंदगी चल नहीं सकती। निवेश आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको जब आपके पैसे की ज़रूरत हो तो आपका पैसा जितना आपके पास है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिल सके, इसलिए निवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि निवेश की परंपरा सदियों से रही है, पहले निवेश सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर सोने में होता था, लेकिन वक्त के साथ इसका तरीका बदलता गया और अब निवेश के यहाँ पर कई एवेन्यू अवेलेबल हैं जिनमें कि आप निवेश कर सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि निवेश आपको क्यों करना चाहिए? निवेश आपको इसलिए भी करना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत हो, चाहे आपके घर के लिए, आपको आपके घर में शादी के लिए, या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, इस तो आपको निवेश की ज़रूरत होती है और वक्त आने पर वही पैसा आपको आपके काम आता है। विमल जैन साहब से हम मुखातिब होते हैं और आपसे मेरा सवाल है, हम ये जानना चाहेंगे कि शेयर बाजार में कौन से इनकम ग्रुप को अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे? मान लीजिए अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आपकी 50,000 रुपए की सैलरी आ रही है और 30,000 रुपए आपके खर्च हैं, तो आप 20,000 रुपए बचाते हैं पर मंथ, ईयरली 2,40,000 रुपए हो गया। और मान लीजिए महंगाई दर 8% है, आपने अगर ये 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट नहीं किए, इन्वेस्ट के ऑप्शंस अलग अलग हैं, पर अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किए तो 8% की दर जो महंगाई दर है उससे आपकी जो वैल्यू है 2,40,000 रुपए वो गिर जाएगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी आपको इस 2,40,000 को इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% या 8% से ज्यादा मिले, जिससे आपकी वर्थ जो है वो बनी रहे या आगे बढ़े। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, यही तो जानना चाहेंगे आप। तो आपके पास फिक्स डिपॉजिट या सेविंग में डिपॉजिट है, वहां आप अगर इन्वेस्ट करें तो आपको 5% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो अगेन 8% से कम है, यानी 3% का डाउनफॉल आपकी उस सेविंग के ऊपर आ रहा है। गोल्ड में करें अराउंड 7-8% के आसपास है। रियल स्टेट में भी कर सकते हैं, बट रियल स्टेट में प्रॉब्लम यह लिक्विडिटी नहीं है, इमीडिएट लिक्विडिटी नहीं है और सियोरिटी भी नहीं है कि रिटर्न मिलेगा। आपने किसी प्रॉपर्टी में 50,00,000 इन्वेस्ट कर दिया, ये गारंटेड नहीं है कि वो 50,00,000 की प्रॉपर्टी ज्यादा पे बिकेगी या कम पे बिकेगी। और लिक्विडिटी एक बड़ा फैक्टर होता है जब आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर में क्या फायदा है और क्यों शेयर में करना चाहिए, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लिक्विडिटी होती है, आप जब चाहे खरीदें जब चाहे बेचें, ये एडवांटेज आपको मिलता है। और रिटर्न कितना मिलता है, रिटर्न डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर, आपने किस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया। ऑन एन एवरेज अगर मैं मार्केट को देखूं और लार्ज कैप की कंपनीज को देखूं, जिसमें निफ्टी इंडेक्स में 50 लार्ज कंपनीज आती हैं, उनको देखूं, 10-12% का रिटर्न दिखता है। लेकिन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वो आपका वाइज डिसीजन होगा। तो शेयर मार्केट में जब आप आते हैं तो ऑप्शन आपके पास ये है, पर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है। तो शेयर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप कहां खुलाएंगे, आपके पास बैंक है, बैंक आपके ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट खोलते हैं, कई बैंक हैं, कई ब्रोकर्स हैं जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खोलते हैं, और इस अकाउंट के जरिए आप सेल परचेज करेंगे।
जैसे आपने देखा, आप सब्जी मार्केट में जाइए, वहां सब्जी बिक रही होती है। सिमिलरली एक्सचेंज बनाया हुआ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे सेल परचेज ऑफ शेयर्स होता है, और वो होता है आपके उस ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए। आप सेल कीजिए, परचेज कीजिए, और डीमेट अकाउंट एक तरह से आपका बैंक अकाउंट है। जब आपने परचेज किया तो वो शेयर उसमें क्रेडिट हो जाएगा, जब आपने सेल किया वो डेबिट हो जाएगा, लाइक योर बैंक अकाउंट। सो आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रायोरिटी ये होगी, आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट खोलेंगे। लेकिन कहाँ खोलेंगे, मैंने आज बताया कई सोर्स हैं, बैंक भी आपको ये फैसिलिटीज देते हैं, ब्रोकर्स भी देते हैं, पर उसके चार्जेज होते हैं। वो डीमेट अकाउंट का एक प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, ईयरली एक चार्जेस लेते हैं। अब जब आप शेयर सेल परचेज करते हैं तो उस पर भी कमीशन लेते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसा ब्रोकर या ऐसा बैंक जो आपको एक रिजनेबल प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे, विद अच्छी सर्विसेज के साथ आपका डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोले। तो मैंने आपको ये बताया कि जो आपकी आइडियल मनी है उसे आइडियल मत रखिए, क्योंकि वो महंगाई दर के बेसिस पे आपकी मनी सेविंग को, वर्थ को, वैल्यू को कम करता रहेगा। आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट के ऑप्शन भी मैंने आपको बताए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बताए, बट शेयर में क्यों करना है मैंने आपको बताया कि जब शेयर अच्छा है, जिसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12 से 15% है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी महंगाई की दर को भी कॉम्पेंसेट करेगा और आपको रिटर्न भी देगा। इस तरीके से आप शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना अकाउंट, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के अपनी सेल परचेज स्टार्ट कर सकते हैं। रवि सिंह साहब, आप शेयर बाज़ार की नब्ज़ को पहचानते हैं। शेयर बाज़ार में पहले तो जुबानी भी काम चल जाता था, लेकिन ओवरऑल हम ये जानना चाहेंगे कि शेयर बाज़ार में जब इन्वेस्टमेंट होती है तो वो कैसे होती है। आज के समय में निवेश के कई तरीके हैं, और जिनमें से मुख्यतः आप जानते हैं या तो सोने में निवेश को, या फिर आप जानते हैं प्रॉपर्टी में निवेश को। लेकिन वक्त के साथ अब निवेश के कई एवेन्यू हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा बहुचर्चित शेयर मार्केट का निवेश है। आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं, बॉन्ड मार्केट में निवेश कर सकते हैं, और बैंक की FD में निवेश कर सकते हैं। तो आज के समय में जिस तरीके की आपकी सेविंग है, ज़रूरतें हैं, उस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं। कितने समय के लिए आपको पैसे की, कितने समय के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आप उतने समय के लिए यहाँ पर निवेश कर सकते हैं और उस पर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पर कंपनियां अपने शेयर को लिस्ट कराती हैं और इन्वेस्टर उन कंपनी के शेयर को खरीद कर एक हिस्सेदार बनते हैं, और उस जगह को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंज ऐसे हैं भारत में जिनमें कि कंपनियां अपने शेयर को लिस्ट कराती हैं और इन्वेस्टर इन्हीं कंपनियों के थ्रू, इन इन्हीं एक्सचेंज के थ्रू अपने उन उन कंपनियों के शेयर की खरीदारी करते हैं। और ये शेयर मार्केट अंडर सेबी के अंडर में, रेगुलेशन में आता है, जिससे कि यहाँ पर रेगुलेटर भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि पूरी तरीके से मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। हालांकि बड़ी कंपनियां जो होती हैं उनके शेयर में छोटा इन्वेस्टर निवेश करने, डायरेक्ट नहीं निवेश कर सकता, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां से कि वो आसानी से निवेश कर सकता है और उस कंपनी का एक हिस्सेदार बन सकता है। रवि सिंह साहब, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने की फॉर्मेलिटीज क्या-क्या होती हैं? शेयर मार्केट में जिसका भी पैन कार्ड है या बैंक अकाउंट है वो निवेश कर सकता है, यानी कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी, भारत के यानी कि एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में निवेश किया जा सकता है। और
इसकी कोई उम्र नहीं है, आप अपने बच्चों के लिए, आप अगर सीनियर सिटीजन हैं तो भी आप इसमें आसानी से निवेश कर सकते हैं। बस इसमें आपको ज़रूरत है आप इसके केवाईसी के फुलफिल करने की, और केवाईसी में जो नियम है वो सभी नियम सेम है, यानी कि आपके पास एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, वोटर आईडी, ये होना ज़रूरी है। इसके थ्रू आप जो है वो डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और उस डीमैट अकाउंट के थ्रू आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में निवेश कर सकते हैं। विमल जैन साहब, आपने बहुत अच्छे से हमें तफसील से बताया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं शेयर मार्केट में। मैं आपसे इसको अपने तरीके से पूछता हूँ ताकि मेरे नाज़रीन को अच्छे से पता लगे कि शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने के कौन कौन से तरीके या शेयर्स हैं जिससे हमें इनकम टैक्स बेनिफिट या टैक्स बेनिफिट भी मिल पाए। शेयर मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम इक्विटी शेयर्स में नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं, और इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस होते हैं म्यूचुअल फंड, और म्यूचुअल फंड भी डिफरेंट तरीके के हैं, इक्विटी बेस्ड, डेट बेस्ड। सो डेट में इन्वेस्टमेंट हुआ तो म्यूचुअल फंड में भी आपको कई ऑप्शन दिए जाते हैं। हम SIP की भी बात करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की भी बात करते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शंस हैं जिसमें आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब टैक्स की रियायत आप जानना चाह रहे हैं मेरे से कि टैक्स की रियायत किस में मिलती है। मान लीजिए आपने इक्विटी शेयर्स, किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, और आपने इन्वेस्ट किया और उसे मिनिमम 1 साल तक अपने पास रखा, यानी मिनिमम होल्डिंग आपकी 1 साल तक रही, और फिर आपने उसको बेचा, तो हम उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। तो मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट 1 लाख का किया था और आपने 1 साल उसे होल्ड किया और वो 2 लाख का बिका, 1 साल के बाद आपने बेचा तब 2 लाख का बिका, तो 1 लाख की जो प्रॉफिट हुई हम उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उस पर एडहॉक 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, 10% का। अदरवाइज अगर आप स्लैब में जाएं, इनकम के ऊपर जो टैक्स का स्लैब है वो हायर 30% भी हो सकता है, बट जहां भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, 1 साल की होल्डिंग आपने की और उसके बाद बेचा और आपकी इनकम 1 लाख से ऊपर हो रही है, तो 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, और इसमें इंडेक्सेशन करने की भी जरूरत नहीं है। जहां शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हम बात करते हैं, यानी आपने 1 साल खत्म होने से पहले ही बेच दिया, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। प्रॉफिट हुई, मान लीजिए आपने 1 लाख का इन्वेस्ट किया और वो 1.5 लाख का बिका, 50,000 की प्रॉफिट हुई, तो उस पे 15% का इनकम टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये तो गेन की बात हुई, हो सकता है लॉस हो, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। इनकम टैक्स में बेनिफिट है, जो लॉस होगा वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सो दैट जब फ्यूचर में आप प्रॉफिट करें तो आप इस लॉस को अपने प्रॉफिट के साथ एडजस्ट कर लें। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के ऊपर भी है कि म्यूचुअल फंड आपका इक्विटी बेस्ड भी हो सकता है, डेट बेस्ड भी हो सकता है, SIP प्लान भी है, तो डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताया या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बताया, उनके रेट बताए, इवन लॉस के केस में कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन बताया, इनकम टैक्स में इस तरह के बेनिफिट आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग। रवि सिंह साहब, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का ड्यूरेशन क्या होता है और हम कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अब आप स्टॉक मार्केट में कितने समय के लिए निवेश कर सकते हैं तो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लंबे समय के निवेशक हैं, शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, या फिर आप इंट्राडे यानी कि एक ही दिन में आप खरीदारी करके आप बिकवाली कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में निवेश करने से पहले ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप शेयर की परचेजिंग या सेलिंग कर सकते हैं। हालांकि भारत में कई नोन ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आप निवेश कर सकते हैं, जैसे कि आप जो स्टॉक ब्रोकर जो NSE से रिलेटेड हैं उनके पास आपको डीमैट अकाउंट
और बैंक अकाउंट के साथ जाना पड़ेगा और तभी आप शेयर की यहां पर खरीदारी या बिकवाली कर सकते हैं। और आप मिनिमम निवेश आप 25 पैसे से लेकर के आप करोड़ों रुपए का निवेश कर सकते हैं। हालांकि अगर जितना भी आप निवेश करते हैं और आपका जो गेन होता है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, तो आपको उसकी भी जानकारी यहां पर होनी चाहिए। दूसरा है कि आप इसके लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं अपने निवेश को बढ़ाने के लिए। जैन साहब, आम आदमी के लिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना कितना फायदे का सौदा है? उसके लिए इन्वेस्टर में कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया और मैंने कुछ देर पहले भी आपसे कहा था कि जो सेविंग है आपकी, आपको उसे इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए ये आपका कॉल है। आप फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, गोल्ड में रख सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर आपको आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना पड़ेगा और आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आरओआई महंगाई दर से ज्यादा होना चाहिए। अगर वो महंगाई दर से कम है तो आप मान लीजिए जितना कम है उतने परसेंटेज से आपकी वर्थ, आपकी सेविंग की वर्थ एंड वैल्यू गिरेगी। तो अब आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपने मुझसे क्वेश्चन ये किया, क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा है? ऑफ कोर्स है। मैंने आपको बताया अगर आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखें तो फिक्स डिपॉजिट 6% 5% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, गोल्ड 7% के आसपास देता है, रियल एस्टेट ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर, लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है। शेयर मार्केट ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12% का रिटर्न दे सकता है, प्रोवाइडेड आप ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी निफ्टी जो है उसको फोकस करते हुए आप इन्वेस्ट करें। और ध्यान दे कैसे इन्वेस्ट करना है, एक उदाहरण देता हूं आपको समझाने के लिए। निफ्टी की जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए इन्वेस्टर्स आप अगर प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो आपको एक इंडिकेटर मिलता है कि मुझे कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। सो 10 से 30 के आसपास आप देखेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो रहता है। तो अगर निफ्टी इंडेक्स को ही ले लें हम, प्राइस अर्निंग रेशियो 10 से 30 के आसपास रहता है, जिसको आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कब इन्वेस्ट करें जिससे आपको फायदा ज्यादा हो। जब मैंने कहा कि शेयर इन्वेस्टमेंट से 10 से 12% ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको प्रॉपर टाइमिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कब इन्वेस्ट करना है। मान लीजिए अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है तो 1 रुपया कमाने के लिए आपको 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर प्राइस अर्निंग रेशियो 30 है तो आपको 1 रुपया कमाने के लिए 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और रिटर्न कितना रहा, पहले केस में 10% आ रहा था और दूसरे केस में अराउंड 3% आ रहा है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका निफ्टी का प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। ऐसे ही प्राइस अर्निंग रेशियो लार्ज कैप की जितनी कंपनीज हैं उनका होता है। तो यानी फायदे का सौदा तभी है जब आप सही कंपनी में सही टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको ये इंडिकेशन, जैसे मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो एक गोल्डन रूल दे दिया, ये आपको ये इंडिकेट करता है किस मोमेंट पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जब प्राइस अर्निंग रेशियो 10 है तो यानी 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 10% की प्रॉफिट। और यही अगर 30 है तो यानी 1 रुपया कमाना है तो 30 रुपए का इन्वेस्टमेंट, यानी 3% की प्रॉफिट। सो फायदे का सौदा तो है, लेकिन कब करना है, किसमें करना है, यही इंपॉर्टेंट है, यही हमें आइडेंटिफाई करना है। शेयर हमें रिटर्न देता है, अच्छा देता है और अदर कंपैरिजन में, बट आपका वाइज कॉल होना चाहिए। रवि सिंह साहब, इन्वेस्टमेंट करना म्यूचुअल फंड में चाहिए या फिर एफडी फायदे का सौदा होगा? सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप सोने में निवेश करें तो आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश करें अच्छे रिटर्न मिलेंगे, या फिर म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करने पे बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। लेकिन आप
जरूरत के हिसाब से आप समझिए कि आपको निवेश कहाँ करना है और किस में कितना रिटर्न मिलेगा। आप इसकी इसको आप चेक कर सकते हैं, यानी कि आप हिस्टोरिकली ये देख सकते हैं कि आपको आने वाले समय में किस में रिटर्न मिल सकता है और किस में पिछले समय में रिटर्न मिला है। तो अगर आप यहाँ पर एफडी या म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट के निवेश की बात करें, तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जो म्यूचुअल फंड का निवेश है वो आपको टैक्स बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं। तो आप अगर यहाँ पर टैक्स बेनिफिट या फिर लंबे समय के निवेशक हैं, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आप अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप बैंक में जो एफडी पे रिटर्न आ रहा है आप उस पे निवेश कर सकते हैं। यानी कि आपको जो इस समय निवेश के हिसाब से 5-5.5% का रिटर्न मिल रहा है एफडी पे, वो आप यहां पर गेन कर सकते हैं। या फिर आप शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर को डायरेक्टली परचेज करके आप निवेश कर सकते हैं। पैसा बोलता है कि इस कड़ी में आज बस इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है dd.urdu.specials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।